अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्दियों की बहुत ही ख़ास डिश, जो दवा भी है, गिज़ा भी है और बेहतरीन डिश है, जिसे कहते हैं मेथी की खिचड़ी, मेथी दाने की खिचड़ी, और ये हम अपने किचन में आज बना रहे हैं। क्योंकि ये डिश जो है, अगर आपने इसको खा लिया सर्दियों में दो या तीन बार बना के या ज़्यादा बार भी बना के, तो आपके पैरों में और कमर में दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। सर्दियों से जो हाथ पैर में सुन्नपन आता है या जो अकड़ जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो वो भी सब नहीं होता है और बिल्कुल हम फ्रेश रहते हैं। और ये सबके लिए अच्छी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ को ही खानी चाहिए, जेंट्स, बच्चे, औरतें, जो भी है, सारों को ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हजमे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेथी कहते हैं कि कड़वी होती है, लेकिन ये पानी में भिगने के बाद बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, बल्कि इसका जायका जो है बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लज्जत वाला हो जाता है। अभी आपको बता रहे हैं कि हम मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए कौन से अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेथी जो है एक प्याली मेथी, सूखी मेथी ली थी रात में और उसे भिगो दिया था। ये अपनी दोहनी हो गई है, पीक के दोहनी हो गई है। और वही कटोरी से हमने जिसे मेथी लिया है, उसी से हमने लहसुन लिया है और लहसुन को चॉपर में से निकाल लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप इसको बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन पीसा हुआ नहीं डालना है, ये इसी तरह से मोटा मोटा ही आपको यूज़ करना है, यानी बारीक कटा हुआ यूज़ करना है। उसके अलावा हमने चावल लिए हैं। चावल जो है, जो हमने रात में मेथी भिगाई थी, उस वही कटोरी से हमने दो कटोरी अभी चावल लिए हैं और इसको एक घंटा पहले भिगो दिया है। और एक कटोरी हमने घी लिया है। अब घी जो है वो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें घी जो है ज़्यादा पड़ता है, इसी वजह से मेथी जो है वो कड़वी नहीं लगती है। और मेथी घी जो है इसमें बहुत ज़्यादा सौंधापन भी लाता है और सॉफ्टनेस भी लाता है, और मेथी के पूरे फायदे हमको मिलते हैं। मेथी कहते हैं गर्म होती है, तो वो गर्माहट जो होती है उसकी, वो भी उससे मुतदिल हो जाती है। और उसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर नमक। तो ये बस इतने ही अज्जा से हमारी जो लजीज खिचड़ी तैयार होगी, वो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आप कोई भी बर्तन में इसे बना सकते हैं। मैं अभी गैस की फ्लेम ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है। अभी हम क्या करेंगे कि ये पैन हमारा गर्म है, हम इसमें आधा घी अभी डाल लेंगे और आधा घी बचा लेंगे दम पे रखने के टाइम, हम आधा घी डालेंगे। अभी हम ये घी डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा ही घी डालिएगा, थोड़ा बचा लेंगे, जितना बचा लेते हैं हम, उसको मेल्ट होने देते हैं। इसमें मिर्ची या गरम मसाले या तेज़पत्ता या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं, बस ये ही चीज़ों से बनती है और बहुत अच्छी बनती है। पूरा घी मेल्ट हो जाए उसके बाद में हम ये लहसुन डालेंगे इसमें, और लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करना है उसको, ज़्यादा नहीं। ये हम डाल देते हैं लहसुन इसमें, क्योंकि गर्म हो जाएगा तो फिर लहसुन भी हमारा जलने का चांस है। दो तीन मिनट लगेंगे इसे भूनने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। दो मिनट हो गए हैं लहसुन को, और लहसुन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। घी की खुशबू और लहसुन की खुशबू दोनों का एक बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। और अभी हम क्या करते हैं, ये मेथी दाना जो है इसमें डाल, इसको नाश्ते में बनाइएगा, रात में भिगा के इसको नाश्ते में बनाएंगे तो बहुत ऐसा है कि ये नाश्ता जो है बेहतरीन नाश्ता माना जाएगा। और साथ में आप इसके चाय, कॉफ़ी देखिए, थोड़ा सा भुनेंगे इसको। मेथी थोड़ी सी घी में भुन जाती है तो और अच्छी लगती है। अब हम इसमें ये चावल डालेंगे। चावल हमने अम्बा मोर लिए हैं, आप कोई भी देसी चावल लो, ज़्यादा खुशबू वाले जो चावल होते हैं, जैसे इंद्रायणी है, ये अम्बे मोर है, कोई काला मूछ है, तो ये चावल जो होते हैं खुशबू वाले होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बासमती भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ये खुशबू वाले जो चावल है उसका इस्तेमाल करें। चावल को
चावल भी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और हमने बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है, वो पानी हम इसमें डाल देंगे। क्या तो उसे मिक्स करना है। ये हमने पानी बॉईल कर लिया है और अब ये पानी डाल देते हैं इसमें। जितने चावल है उसका दुगना और एक आधी कटोरी हमने और ज्यादा पानी। अब इसमें हम नमक शामिल करते हैं। हसबे जायका आप नमक डालिए, थोड़ा सा नमक जो है पानी को चख लेना, अगर पानी नमकीन हो गया तो आपका नमक बराबर, अगर पानी में फीका पड़ रहा तो और नमक डालिएगा। यहाँ पर हम नमक चख लेते हैं, नमक थोड़ा कम लग रहा है, और थोड़ा सा डाल देते हैं। उस पर ढक के हम हाफ ढक्कन लगाएंगे और पकने देंगे पानी खुश्क होने तक। चावल का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसे चेक करते हैं। पानी पूरा सूख गया है, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से जो हमने घी बचा लिया था, सर्दी का सीजन है इसलिए हमारा घी भी जो है वो जमा हुआ है, थोड़ा सा हमने गर्म रख दिया तो ये मेल्ट हो गया। अब हम ऊपर से इसे थोड़ा घी फिर बचा लेते हैं, जब सर्व करेंगे तब डाल के देंगे। और गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं और ये ढक्कन जो है ये पूरा अभी पैक कर बंद, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आपको दिखा देंगे। खिचड़ी को दम पे होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी फुली नज़र आ रही है बाहर से और बहुत अच्छी खा पा रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए साहब, हमारी जो बहुत ही लजीज मेथी की खिचड़ी तैयार है, आप इसे ज़रूर घर में बनाइए, खाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपनी बहुत सारी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।